गुड मॉर्निंग क्लास 9 एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? ऐसी चीज हमारे आमने सामने बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम लोग रोज देखते हैं उसको, और उसमें से कुछ ऐसा फॉर्म निकल के आता है जो एक नया चीज बनता है और बहुत ही सिंपल है उसको बनाना। मैं ये क्लास 8 के बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे और क्या क्या इसमें चीजें हैं ये बनाते हैं लगभग, और फिर हम सभी घरों में यूज होता है थोड़ा सा। ये धूपदानी है, सेट हो जाने के बाद फिर हम उसको खाली करते हैं। ये एक छोटा सा क्लास है, मैं चलता हूँ अपने स्टूडियो। एक और धूपदानी है, हम आपको ये काम करते और इस तरह का ये सारे किया जाता है टेराकोटा पॉट्स, जो कि आसानी से किसी हर किसी घर में होता है, और नहीं तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर घर में नहीं है तो आप किसी भी पूजा सामग्री दुकान में जाइए तो ये आसानी से मिल जाता है। इसको जॉइंट करके कुछ इसमें से हम एक फॉर्म निकालेंगे, एक डॉल का शेप निकल रहा है, और भी बहुत सारा ऐसा चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे टेराकोटा पॉट्स हैं, बहुत तरह तरह का चीजें हैं जिससे हम तरह तरह का चीज बना सकते हैं। बस थोड़ा सा उसमें सोचना है और हमको ये उसको एक नया आकार देना है। ये तो बनी बनाई चीजें हैं, इसको हम सिर्फ इस शेप को लेंगे, ये जो इसकी बनावट है, इसका हैंडल है, इसका एक अलग ब्यूटी है, और इस बनी बनाई चीजों को ही जोड़ करके हम एक शेप देने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए ये टेराकोटा पॉट्स हो गया, हमारे पास ये एमसील है, ये एमसील जनरली हार्डवेयर की शॉप में मिल जाता है इजिली, जरूरत होगा तो हम ये फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं। इसको सबसे पहले अच्छे से सैंड पेपर में इस तरीके थोड़ा घिस घिस लेंगे, थोड़ा सा रबिंग करेंगे इसको, तो वो एक उसके अंदर का वो रफनेस जो है निकल जाएगा, और इसे फिर कपड़े से ऐसे पोंछ के साफ करेंगे। ये सूखा कपड़ा होना चाहिए, ये हमने साफ कर लिया इसको। अब ये छोटा सा ढक्कन है जो इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। ये काम हम फेविकॉल से भी कर सकते हैं, और फेविकॉल इसका डस्ट से भी कर सकते हैं, जो ब्रिक्स का डस्ट है, जो रेड क्ले ब्रिक्स का डस्ट है, उसको फेविकॉल में सान करके भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये एमसील का भी यूज कर सकते हैं। कई सारे मटेरियल है जो हम लोग इसमें, दो मटेरियल है, एक मटेरियल है और दूसरा जो है इसका हार्डनर है, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये एमसील रेडी हो जाएगा हमारे काम के लिए। ये दोनों 50-50 लेना है दोनों को, तभी ये, और इसको ऐसे एक हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह मिक्स कर लिए, एक इसमें व्हाइट है और एक ब्लैक है, दोनों मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, और इस तरीके से ये मटेरियल तैयार करेंगे। ये ज्यादातर हाथ में चिपक जाता है, इसलिए सामने पानी रखेंगे पॉट पे, और एक कपड़ा रखेंगे हाथ पोंछने के लिए, बार बार पोंछने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले
एक कॉइल का शेप दे करके इसको हम पेस्ट करेंगे। इस तरीके से ये पेस्ट करेंगे। आप चाहे तो इसमें फेविकॉल भी हम लोग यूज कर सकते हैं और इस लीड को इसके ऊपर इस तरीके से बैठा देंगे, ये बैठ जाएगा। जरूरत पड़ा तो हम साइड में भी दे करके इसको फिल कर सकते हैं, इस तरीके फिलअप कर सकते हैं। बार बार हाथ में चिपक जाता है ये, इसीलिए हाथ पानी रखना है सामने। इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, जॉइंट कर देंगे दोनों को। और ये जॉइंट हो गया। अब ये मटेरियल खत्म हो गया, फिर दोबारा हम बनाएंगे। ये हम ऐसे दो तीन जगह लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड से अच्छी तरीके से पेस्ट करेंगे। और इसके ऊपर इस धूपदानी को उल्टा प्रेस कर देंगे ताकि ये बैठ जाए अच्छे से। ये इस तरीके से बैठ गया, इसको पलट करके भी पेस्ट कर देंगे, वो कभी छूटेगा नहीं, इसलिए अच्छे से इसको पेस्ट करना है।
थोड़ा सा इसको फैला देंगे। और इसको हम ऐसे सेट करेंगे। लगभग हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट हो गया है, इसे हम ऐसे उठा भी सकते हैं। अब ये जैसे ही थोड़ा सा सूख जाएगा फिर हम इस पर कलर करेंगे। कलर करने के लिए यह हमारा बन के कंप्लीट है, आप इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम एनामेल पेंट यूज करते हैं, ये इजीली हार्डवेयर दुकान में मिल जाता है एनामेल पेंट। साथ में इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें थीनर यूज करते हैं हम लोग। और इस कलर में हम मेटेलिक डस्ट यूज करेंगे, ये कॉपर डस्ट है, कॉपर गोल्डन, कॉपर और सिल्वर, दो तीन कलर में ये मेटेलिक डस्ट मिल जाता है। अगर ये डस्ट ना मिले तो आप फैब्रिक कलर में जो मेटेलिक डस्ट मेटेलिक कलर होता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे, पहले पेंट करेंगे इसको, उसके ऊपर से जो भी ये उभरा हुआ कॉयल है, कॉयल वर्क है, या फिर ये आँख है, नाक है, जो हाइलाइटर है जहाँ उभरा हुआ है वहाँ पर हम उस डस्ट को ऊपर से ऐसे लगा देंगे, तो वो एक अलग वो लगेगा, एक कॉपर का पूरा मेटल का ये स्कल्पचर लुक आएगा। तो हम पहले इसको कलर करते हैं। मैंने डार्क कलर ब्लैक लिया है,
ये पूरी तरह से सूखने के बाद ही कलर करना चाहिए। ये सब में लगभग कलर हमने लगाया है। अब इस पे हम ये मेटेलिक डस्ट का यूज करेंगे। इसके लिए ब्रश को अच्छे से साफ करेंगे। ब्रश पोंछने के बाद फिर दोबारा अच्छे से साफ करेंगे ब्रश, ताकि इसमें पेंट ना हो। इस तरीके से ब्रश से इसके ऊपर मेटल डस्ट को लगाएंगे। ये हमारा
बनकर तैयार हो गए ये डॉल, जो बिल्कुल एंटिक लुक आ रहा है इससे। और इस तरीके से घर में बहुत वेस्ट मटेरियल, बहुत ऐसा सामान हो जो पड़ा हुआ हो, और उसको हम इस तरीके से बहुत सारा चीज बना के सजा सकते हैं घरों में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप कोशिश करेंगे इसको बनाने के लिए।